अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमजान की आमद आमद है, तो इसके लिए हम पहले से कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक खास किस्म के गरम मसाले की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि अगर आप पहले से बना के रख लेंगे तो तमाम रमजान आपको बहुत आसानी रहेगी। मैं कहती हूं कि ये मेरे किचन का क्वीन मसाला है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे खानों की लज्जत बहुत बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं कि मसाले में क्या क्या जाएगा। यहाँ पर 6 से 7 मैंने सूखी साबित लाल मिर्चें ले ली हैं, 3 टेबलस्पून मैंने सूखा साबित धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ का लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है, और तकरीबन 10 से 12 अदद यहाँ पर कच्ची मूंगफली के सीड्स में डालूंगी और ये छिलके के साथ डालने हैं। 2 मैंने तेज पत्ते ले लिए हैं, 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, 1/3 हिस्सा मैंने जायफल का लिया है, 2 मैंने जावित्री के फूल ले लिए हैं, 2 टुकड़े यहाँ पर मैंने दारचीनी के लिए हैं, 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 अदद छोटी इलायची है, 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स का लिया है और 2 टीस्पून काला नमक ले लिया है मैंने। चलिए अब हम सिवाय नमक और हल्दी को, इन दोनों को छोड़ के, बाकी सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए, तमाम मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इनमें से। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, मैंने ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है, और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो मैं इन्हें मिक्सी में डालकर पीस लूंगी। तो देखिए, मसाला अच्छे से पीस चुका है, मैंने इसको 2 मरतबा मशीन में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। आप किसी भी खाने में, चिकन में, मटन में, बीफ में या सब्जी में इसको 2 टीस्पून भर के डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपने व्यूअर्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।